शाकंभरी जयंती या शाकंभरी पूर्णिमा। शाकंभरी जयंती देवी शाकंभरी की याद में मनाई जाती है। शाकंभरी पूर्णिमा पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह पावन पर्व वसंती की देवी, वनस्पति की देवी माँ शाकंभरी को समर्पित है। देवी शाकंभरी दुर्गा के अवतारों में से एक है। माँ के इस अवतार की एक कथा इस प्रकार है कि जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर सूखा पड़ गया और 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच जाता है। पृथ्वी के सभी जीव पानी से बिना प्यास से मरने लगते हैं और सभी पेड़ तथा सभी पेड़ पौधे वनस्पति सूख जाती है। इस संकट के समय सभी ऋषि मुनि एक साथ मिलकर देवी भगवती की आराधना करते हैं। अपने भक्तों की पुकार सुनकर देवी ने पृथ्वी पर शाकंभरी रूप से अवतार लिया व पृथ्वी को वर्षा के जल से सरोबार कर दिया और इससे पृथ्वी पर पुनः जीवन का संचार हुआ और चारों ओर हरियाली छा गई। अतः देवी के इस अवतार को शाकंभरी देवी के रूप में पूजा जाता है और इस दिन को शाकंभरी पूर्णिमा या शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा के दिन ही शाकंभरी नवरात्रि का भी समापन होता है। इस दिन माँ शाकंभरी के मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ माँ शाकंभरी का जन्म उत्सव मनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्ट आत्मा दानव के पिता राजा रूरुर थे। देवताओं का बल देव है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख की शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंसकर बेड़कर वर देने के लिए दुगम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, सुरेश्वर मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के प्रेम अधित्राष्ट्रा ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को समस्त वेद विस्मृत हो गए। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर चले गए। समाधि ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे, उनका मन एकमात्र भगवती में लगा था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार यह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है।
तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। कल्याणी, जगदम्बे के प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी के नाम से विख्यात है, साक्षात प्रकट हो गई। उनका यह विग्रह कजल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो विकसित नील कमल हो। कमल के पुष्प पल्लव और मूल सुशोभित थे। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का यह स्वरूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला यह विग्रह करुण रस का अथाह समुंदर था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा से तत्पर रहने वाली करुण हृदय भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जल धाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। वे देवता व ब्रह्मा सब एक साथ मिलकर भगवती का सत्वन करने लगे। देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। हे मात, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अम्बे, महेशानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छुड़ा लाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अपने प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल अब अनेक रस से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने पर दुर्गम नामक स्थान दैत्य स्थित को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौणी सेना थी। तदंतर भगवती शिवा ने उससे रक्षा के लिए चारों ओर तेज में चक्र खड़ा कर दिया। तदंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की प्रचंड टकार से दिशाएं गूंज उठी। भगवती की माया से प्रेरित शक्तियों ने दानवों की बहुत बड़ी सेना नष्ट कर दी। तब सेना अध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों में राक्षस की संपूर्ण अक्षौणी सेनाएं देवी का द्वारा वध कर दी गई। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणहीन होकर गिर पड़ा। देवगण बोले, परिवर्तनशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शतलोचने तुम्हें शतश्त नमस्कार है। संपूर्ण उष्णिदोष से प्रशिक्षित तथा दुर्गम नामक दैत्य की सहारनी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपनी भगवती महेश्वर तुम्हें नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार सत्वन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषणी उस देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उस राक्षस से वेदों को त्राण दिलाकर देवताओं को सौंप दिया।
वे बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए। मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव तुम्हें समस्त संकट दूर करती रहूंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो भक्ति प्रायण बड़भागी स्त्री पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वे देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। देश भर में माँ शाकंभरी के 3 शक्तिपीठ हैं। पहला प्रमुख राजस्थान से सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकारिया माता जी के नाम से स्थित है। दूसरा स्थान राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सहारनपुर में 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। शाकंभरी माता जी का प्रमुख स्थल अरावली पर्वत के मध्य सीकर जिले में सकराय माता जी के नाम से विश्वविख्यात हो चुका है। तंत्र मंत्रों के जानकारों की नज़र में इस नवरात्रि को तंत्र मंत्र की साधना के लिए अति उपयुक्त माना गया है।